दुनिया में खोआ। हेलो गाइस, वेलकम टू महादेव एडिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए किस टॉपिक पे हमारी वीडियो होने वाली है। गाइस, ये वीडियो है राणिया वे पहले नालो मोटा हो गया। ये रंजीत बाबा का सॉन्ग है, इसमें ये मतलब लाइन बोली गई है। तो गाइस, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है रील्स। चलो बिना देर के इस वीडियो को बनाते हैं। गाइस, एक बात बताता हूँ, अगर इस वीडियो में जो भी चीज़ यूज़ किया होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चीज़ आपको चाहिए तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक से वो चीज़ डाउनलोड कर लेना। एक और बात गाइस, अगर आपको वीडियो के लिए कोई भी इशू या प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वीडियो बनाने के लिए ना आपको एक VN एप्लीकेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम VN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, ना तो इसमें कोई वाटरमार्क आता है और ना ही कोई पेड है, ना ही इसमें कोई आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो गाइस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ऐप है। तो मैं यही एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ अपनी मोस्ट वीडियो में, आप चाहे चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपने अपनी दो फोटो लेनी है। एक तो आपने अपनी बचपन की फ़ोटो लेनी है, मतलब बचपन की नहीं कह सकते, जो आप एक मतलब बहुत पतले होते थे या मतलब बहुत पुरानी फ़ोटो थी। उसके बाद जो आपकी रिसेंट फ़ोटो मतलब स्मार्ट हो गए हो, वो चीज़ आप लेनी है। तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ है, ये दोनों लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक अपनी पुरानी फ़ोटो लूँगा और उसके बाद एक जो रिसेंट की फ़ोटो है स्मार्ट फ़ोटो वो लेंगे। तो ये चाहे वीडियो पे भी बना सकते हो, पर मैं तो कहता हूँ आप लोग इसको फ़ोटो भी बनाओ तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि फ़ोटो इसमें ज़्यादातर मतलब फ़ोटो पे ये ट्रेंड की हुई है इसने, इस वीडियो ने। तो ये लूँगा, देख सकते हैं मैंने दो फ़ोटो यहाँ पे ले ली है। तो फर्स्ट फ़ोटो ये है और सेकंड फ़ोटो ये है। तो गाइस, यहाँ पे लास्ट में ना आपको तो बैकग्राउंड ऐड हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका कोई रोल नहीं होता हमारी वीडियो में, बस ये ऐसे ही आ जाता है। तो इसको क्या करना है, हम इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद करेंगे गाइस, यहाँ पे हमारा फ्रेम है जो मतलब सही सा नहीं लग रहा, मतलब इंस्टाग्राम के रील्स के अकॉर्डिंग जो फ्रेम होता है वो वैसा नहीं लग रहा। तो कईयों का ना ऐसे पिक्सल भी फटता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ओरिजिनल का साइज दिख रहा होगा ना ऊपर की साइज, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 9:16 वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं गाइज कितने अच्छे मतलब रील्स के मतलब फ्रेम में आ गया हुआ है, देख सकते हैं ये दोनों आ चुका है। तो क्या करना है गाइज, फोटोज तो ऐड हो चुकी हैं, अब उसके बाद क्या करना है, हमने अब जो ऑडियो मतलब यूज़ हुआ हुआ है राणे यहाँ वे पहला नाड़ो मोटा हो गया है। तो गाइज इस पर हम टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और म्यूजिक पे जाएंगे और यहाँ से ये म्यूजिक ऐड कर लेंगे। तो गाइज म्यूजिक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए म्यूजिक भी। तो यहाँ इस चैनल पे ना गाइज मोस्ट इंस्टाग्राम के जो रील्स ट्रेंडिंग में होती हैं ज़्यादातर पंजाबी और अदर जो म्यूजिक होते हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि आपको कोई कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस चैनल पे आओ और स्क्रॉल करके ढूंढ लो। यहाँ पे मैं म्यूजिक प्ले करके यहाँ पे बीट रिकॉर्डिंग सेट करूँगा, तो मैं आपको टाइमिंग बता दूँगा किस टाइमिंग में आपको फ्रेम सेट करना है, तो आप लोग देख लेना। तो म्यूजिक वहाँ पे क्या कहते हैं बंद होगा। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा 2.47 पे हमने इसको कट करना है, यहाँ पे कट नहीं करेंगे उसको, थोड़ा सा स्लाइड कर लेंगे कट। गाइस अगर आपको कोई किसी फोटो का लेंथ बढ़ाना है छोटा करना है तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। तो एक मुझे कमेंट आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग कहोगे ये इतनी सी बात क्यों बता रहा भाई, तो भाई मुझे कमेंट आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ से इसको पहले क्लिक कर दो, जब ये ऐसे मतलब येलो में आउटलाइट हो जाएगा आपने इसको ऐसे ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो। ओके गाइस, अब इसको मैं फोटो को अपने वीडियो ऑडियो अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ, जहाँ तक मेरा ऑडियो है वहाँ तक मैं इसको सेट करूँगा। देख सकते हैं ये हो गया है, अब मैं एक बार म्यूजिक प्ले करके देखूँगा और यहाँ पे हम इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अपने पहली फ़ोटो क्लिक करना है और इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाकर ये दो जो फिल्टर हैं बहुत मतलब इफेक्ट में ज़्यादा चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट में ब्लिंकिंग में होता है, आप इसको स्लो भी कर सकते हो फास्ट भी कर सकते हो। अगर आप इसको बढ़ाना रखोगे तो ये स्लो हो जाएगा और इसको बढ़ा दोगे आप ये मतलब स्लो हो जाएगा, फास्ट स्लो। यहाँ पे मैं ब्लैक रख देता हूँ इसको, थोड़ा सा स्लो में कर देता हूँ। यहाँ पे इसको प्ले कर देता हूँ मैं, देख सकते हैं कि गाइस हमारी सेकंड फोटो ना इसका ट्रांजेक्शन मतलब अच्छे से नहीं हो रहा, मतलब जब ये आता है ना तो मतलब
मतलब अच्छे से नहीं होता, मतलब सिंपल ही आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद में गाइस ये वाला जंक डाउन वाला, गाइस ये वाला बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये देख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम इस तरह अप्लाई कर देंगे और इसको थोड़ा सा इसका लेंथ छोटा कर देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं गाइस, मतलब एकदम अच्छे से हमारी वीडियो ट्रांजेक्शन और अकॉर्डिंग टू वीडियो और फोटो और इफेक्ट सब कुछ एकदम प्रॉपर ही लग गया हुआ है। तो आपकी वीडियो भी ऐसे ही एडिट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट कर लेना है, तो यहाँ पे 720 वाले पिक्सल पे लोग आप लोग एक्सपोर्ट करना। मैं भी एक बताता हूँ, एक मुझे भी एक आया था कि भाई मेरा मतलब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा ज़्यादा हाई तो आपने उसको लो में कर लेना है। यहाँ से भी आप लोग लो कर सकते हो और यहाँ से भी आप लोग लो कर लो। मैं तो कहता हूँ आप लोग 720 पे ही रखो, बहुत बढ़िया क्वालिटी आती है, इससे अच्छी क्वालिटी इंस्टाग्राम पे नहीं होती। आप लोग 1080 पे जाते हो तो ये मतलब एक्सपोर्ट नहीं होता, 50-40 पे जाते हो तो मतलब ये लो क्वालिटी आती है। आप 720 पे मतलब एक्सपोर्ट करो, अच्छी क्वालिटी आती है। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करूँगा, 100% प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हमारी जो वीडियो है वो सेव हो जाएगी। तो अगर आपकी वीडियो भी अच्छे से बन गई है तो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए महादेव एडिट्स पे, तो मैं आपकी वीडियो जरूर लाइक करूँगा। तो थैंक यू गाइज, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।